गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मासी का बना हुआ एक प्रॉन का स्टार्टर। और उसी बात पे गौर करते हुए आज मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और चलिए किचन में चलते हैं। किचन में मासी पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके मतलब शूट करने के लिए रेडी करके बैठे हैं, क्योंकि प्रॉन को पहले से मैरिनेट करना जरूरी है। मैं बोल रही हूँ कि मासी रुको रुको, अभी थोड़ी देर बाद हम शुरू करते हैं ब्लॉग। और बोल रहे हैं कि नहीं, अगर थोड़ी देर बाद मतलब और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इसे मैरिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर से एक मेल आएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। और ये रेसिपी इवनिंग स्नैक्स के लिए जस्ट परफेक्ट है। अगर आपके घर में कोई आता भी है ना तो भी ये रेसिपी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। आज तक मैंने 2-4 बार खाया है पर कभी बनाते हुए नहीं देखा, तो ये रेसिपी देखने के बाद अभी मैं इसे खुद बनाऊंगी। सबसे पहले मासी ने जो किया है वो है ये टाइगर प्रॉन को अच्छे से क्लीन करके रखा है और बिल्कुल होल है ना टेल, क्योंकि ये बाहर निकल के रहेगा। ये जो टेल है ये पकौड़ा से बाहर निकला हुआ रहेगा, तो इसलिए इस टेल को बहुत ही अच्छे से प्यार से ऐसे रखना पड़ा। प्याज का जूस, ओके, ये है प्याज का जूस, जूस निकालना पड़ेगा। और मासी इसमें क्या क्या है? जिंजर गार्लिक और हरा मिर्च, ओके, गार्लिक, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इसके साथ एक पेस्ट बनाया है। और ये रहा अनियन जूस, तो डेमी चुबी है जीरा कुम्बा की फिश चॉप करा है। अच्छा, चिंगड़ी काटलेट। अच्छा, तुम ये तो वही जो बोलो जो डिमर भीतर दिए ওটা না ওটা চিংড়ি মাছটা অতটা ঠিক আছে, তুমি যেটা ভালো না তোমার দেখাচ্ছি আমি একটা করি পরে তারপর তোমারে আমি দেখিয়ে দেই যেটা বেটার লাগবে সেটা তুমি। इस तरह से प्रॉन को कट करना पड़ेगा, बीच में से कट करके इसको पूरा डिवाइड मत कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल लीफ की तरह ऐसे ऐसे रहे, मतलब ऐसा रहता है ना तो कट करने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। वाओ, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप कुछ बना रहे हैं मासी, क्योंकि मुझे लगा था कुछ और, तो अभी कुछ और। अच्छा मासी, एटा किन्तु तुम छुरी पेछन दिकटा दिए करते पारो, कारण एटा केटे जाबे ना, काटबे ना। अच्छा, काटबे ना। अच्छा, এরকম হবে, বাহ, দেখতে খুব ভালো লাগছে তো। सो गाइस, ये दिखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लीफ की तरह लग रहा है ना, तो इस तरह से सारे प्रॉन को बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं मासी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा अनियन जूस, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था। ये रहा ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, तो ये सब मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी ना। हाँ, तो ये पूरा एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा विनीगर एंड ढक्कन, थोड़ा सा सॉल्ट। तो अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी ये सारे जो प्रॉन है ये मैं डीप कर दूंगी, और डीप करके ऐसे रखना पड़ेगा जैसे कि हम चिली चिकन खाते हैं ना, तो बिल्कुल चिली चिकन की तरह इसे पहले से इसे मैरिनेट करके रखना पड़ता है। उसके बाद ये शाम के टाइम में हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। बात करते हैं मामा अर्थ के जो नया प्रोडक्ट रेंज आया है मेरे पास बॉडी लोशन का, उसके ऊपर। एक्चुअली मामा अर्थ की तरफ से मुझे भेजा गया है 4 न्यू बॉडी लोशन। तो ये 4 जो वेरिएशन है ये मैं आपको दिखा दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ मेरा मोस्ट फेवरेट रोज बॉडी लोशन, विटामिन सी बॉडी लोशन, कोको बॉडी लोशन एंड उत्तन बॉडी लोशन। गाइस, ये जो 4 बॉडी लोशन से मामा अर्थ का, ये 4 बॉडी लोशन अलग अलग कंटेंट के साथ डिजाइन किया गया है, अलग अलग वेदर, अलग अलग पसंद, अलग अलग स्किन रिक्वायरमेंट, अलग अलग सीजन के लिए। व्हाट्स योर स्किन क्रेविंग, आपका स्किन का क्रेविंग जो भी हो, हर एक चीज के लिए यहाँ पे बॉडी लोशन मौजूद है। तो मैं अपना बोलना चाहती हूँ, तो मेरे स्किन को चाहिए हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के लिए एक्चुअली कोलकाता में जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरा स्किन जो है बहुत ही डिहाइड्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है। इसलिए मुझे लगा मेरे स्किन को सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी चाहिए वो है हाइड्रेशन। तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ बॉडी लोशन, और इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है रोज़ वाटर, मिल्क एंड शिया बटर। रोज़ वाटर में एंटी ऑक्सीडेंट है और ये पोर्स को क्लॉक करने में भी हेल्प करता है। तो जो आपके स्किन का जो ओपन पोर्स है उसे भी श्रिंक करने में हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है
करता है, स्किन को हील करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से हल्का सा जो एक टैन आ जाता है स्किन पे, उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मिल्क स्किन को नरिश एंड स्मूथ करने में हेल्प करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, ऑल्सो हेल्प्स टू हील ड्राई एंड फ्लेक स्किन। और शिया बटर में है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड एंड विटामिन, जो कि एक सॉफ्ट स्किन के लिए आइडियल इंग्रेडिएंट, और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो बॉडी लोशन है, इसमें जो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है, तीनों इंग्रेडिएंट्स अमेजिंग है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। तो इस वेदर के लिए मेरे स्किन को अभी जो चाहिए, मेरे स्किन का जो क्रेविंग है वो है हाइड्रेशन। अगर मैं क्रेविंग की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बॉडी को भी बहुत सारी चीज़ें खाने का मतलब क्रेविंग होता है, तो इसलिए बॉडी को अंदर से भी कुछ चीज़ें देने की जरूरत पड़ती है जो कि स्किन और हेयर में उसका जो इफेक्ट है वो हमें दिखने लगता है। कोई चीज़ ऐसा जो कि हम बॉडी में ही मतलब स्किन पे ही यूज़ करें तो वो और भी ज़्यादा विजिबल होगा। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे है जैसे कि विटामिन सी बॉडी लोशन। तो विटामिन सी जब हम खाते हैं यानी कि इंटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से विटामिन सी बॉडी लोशन जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ग्लो एंड रेडिएंट करने में ये हेल्प करेगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑब्वियसली विटामिन सी एंड हनी। फिर हम बात करते हैं उबतन बॉडी लोशन की। तो गाइस उबतन बॉडी लोशन का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मरिक एंड कुकुम बटर। तो ये आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करेगा। और इन्फेक्शन या ऐसा कुछ होता है तो जैसे कि टर्मरिक हमें पता है कि टर्मरिक इन्फेक्शन से हमें दूर रखता है, और अभी जबकि समर सीजन चल रहा है इस टाइम में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बॉडी लोशन आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाएगा और उसके साथ साथ स्किन को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। और मेरा जो लास्ट ये बॉडी लोशन है ये है कोको बॉडी लोशन, और इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है कॉफ़ी एंड कोको बटर, और ये स्किन को एक्सट्रीम मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा गाइस, और ये आपकी स्किन को इंटेंस मॉइस्चराइजर देगा। सो गाइस इस तरह से हर एक चीज़ का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपकी स्किन को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स। जैसे कि एवरी टाइम मैं आपको बोलती हूँ मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, SLS नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, ये सारे हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। ये है ऑफिशियली पेटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मामाअर्थ इज अ गुडनेस इनसाइड ब्रांड क्योंकि ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं और केमिकल फ्री भी, तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट्स के अंदर गुडनेस है। वोकल फॉर लोकल यानी कि इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्लिनिकली टेस्टेड, तो इस तरह से आप सेफली इसे अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। जो सारे पूरा प्रोडक्ट रेंज मुझे भेजा जाता है तो मैं हमेशा वो यूज़ करती हूँ, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी देती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि इसका जो ये सील है ये ओपन नहीं करते, तो ये एक्चुअली ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैं आपको भेजने वाली हूँ। तो इनमें से आप में से तीन मेरे सब्सक्राइबर को ये तीन मैं एक एक करके मतलब भेजूंगी क्योंकि सामने पूजा भी आ रहे हैं। बाकी के मैंने सील भी ओपन नहीं किया, कट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आपको भी थोड़ा सा मौका मिले कि ये प्रोडक्ट कैसा ही है चेक करने का, क्योंकि हमेशा ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलता कि इसका सील ओपन ना करूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए मतलब कुछ कर नहीं सकती। ये जबकि कम्प्लीटली नया है, एकदम ब्रांड न्यू, तो ये अगर मैं आपको भेजूंगी, आप अगर इसे खुद इसे टेस्ट करेंगे तो शायद आप में से तीन लोग ही क्यों ना हो पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। और ये कम्प्लीटली मैं अपना पर्सनली कर रही हूँ, ये ऐसा कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि गिव अवे वगैरह, एक छोटा सा गिव अवे पर मैं अपने मन के खुशी से कर रही हूँ। बहुत यूज चीज़ें मैं आपको गिव अवे के तौर पर नहीं दे सकती, तो इसलिए पूरा सील्ड है, जब आपके पास जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। और इस तरह से आगे भी मैं करती रहूँगी। तो गाइज हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर नीचे दिए गए मेरे कोड को यूज़ करके आप अगर इसे परचेस करते हो तो आपको मिल जाएगा 20% का ऑफर, और मेरा कोड है शोमली 2020, और ये मामाअर्थ के साइट से मिलेगा। इसके अलावा भी आपको अमेजन नाइका में भी इसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर वो आपको MRP में परचेस करना पड़ेगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकअप कर सकते हैं। एंड गाइस एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि मैं तो तीन गिव अवे जो विनर है उनको चूज करूंगी, पर आप लोग अगर कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे लिख के बताएंगे कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपके स्किन टाइप तो मुझे नहीं पता होगा, तो अगर कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा एक लाइन का कमेंट अगर लिख के भेजते हो तो मुझे आसानी होगी। जो सिलेक्ट होंगे उनका क्या स्किन टाइप है, उनको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैं भेज पाऊंगी, अदरवाइज ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हर स्किन टाइप का एक एक विनर होगा। ब्लाउज आ गया तो चलिए आपको ब्लाउज दिखाते हैं। और फेसबुक से जो सारे ब्लाउजेस मैंने ऑर्डर की थी ना वो भी आ गया है, पर वो आने के बाद मैं उसे ऑल्टरेशन के लिए भी भेज दिया क्योंकि ऑल्टर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो जिनके पास मैं अपना
सारे ब्लाउज बनाने के लिए दिया है, लहंगा बनाने के लिए दिया, उनके पास ही गए थे उसे ऑर्डर करने के लिए। अभी देखते हैं, ऑर्डर बहुत सारे जगह से उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, सिर्फ साइड से थोड़ा सा एक स्टिच देने से नहीं होगा। वो इतना बड़ा उसका कट है, कितना बेकार लगेगा पहनने के बाद, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सामने से कट करके इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा अगर सामने से स्टिच कर देंगे तो ऐसे कंधे से मतलब शोल्डर से वो गिर नहीं जाएगा तो ठीक ठाक रहेगा। अगर ब्लाउज का जो स्लीव है वो स्लीवलेस है, पर उसे क्या कहते हैं ये पूट बोलते हैं हम ऐसे, तो वो अगर यहाँ पे ना हो, वो अगर यहाँ पे चले जाए तो कैसा लगेगा दिखने में, तो इसलिए बोला कि सामने से ऐसे मतलब ऐसा कर देंगे। यही प्रॉब्लम होता है, मतलब रेडीमेड ब्लाउज का कुछ समझ में नहीं आता, वो फ्री साइज का है, ऐसे मीडियम स्मॉल ऐसा कुछ आप चूज नहीं कर सकते। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मिला जो मैंने ऑनलाइन से लिया है। ये आप मतलब लहंगा के ऊपर का जो टॉप है उस हिसाब से भी आप पहन सकते हो, साड़ी के ब्लाउज के हिसाब से तो ऑब्वियसली, पर तरह तरह के जो लहंगा होता है ना, इतना मतलब शादी वाले लहंगा नहीं, थोड़ा सा फैंसी जो लहंगा आजकल होता है ना, तो ऐसे कपड़ों का ही मिल जाता है, उसमें दुपट्टा वगैरह नहीं रहता। स्कर्ट के ऊपर टॉप के हिसाब से भी पहन सकते हो, पर इतना बड़ा पीछे का कट है, ये टॉप के हिसाब से इतना अच्छा नहीं लगेगा। साड़ी के ब्लाउज के हिसाब से या लहंगा जिसमें आपका दुपट्टा मिलेगा उसके साथ ही ये अच्छा लगेगा। पर ये मैं अभी तक मूवी में देखती थी, पर सचमुच ये मैं अभी पहनने वाली हूँ। पीछे पूरा कट है, मतलब पूरा बैकलेस है, बस दो इसका धागे है, इतना अच्छा शेप है इसका कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। फुल बैकलेस अभी तक मैं सीरियल्स में या मूवी में देखती थी, अभी मैं फर्स्ट टाइम इसे पहनूंगी, पर हर जगह भी ये आप पहन ही सकते। मैंने ये लिया तो है, पर मिथुन बोल रहा है तुम ये कहाँ पहनोगे मिथुन अभी सुन रहा है मेरे बात की, तुम साड़ी पहनोगे अच्छी बात है, अच्छे से ब्लाउज पहनोगे, तुम्हें बहुत दिनों का मन था, पर ये तुम कहाँ पहनोगे देखते हैं कहाँ पहनते हैं, पर पहनूंगी तो जरूर। पर ये अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, पर देख के ही पता चलता है ना कि हो जाएगा, मतलब आपको फिटिंग्स आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ये आप जबकि ये बैकलेस है और इसमें इतना लंबा लंबा धागे तो आप अपने बॉडी के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये मीडियम साइज का है, मीडियम ये आप उस हिसाब से ले सकते हो, सॉरी स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल साइज का है। और ऐसे प्रिंटेड ब्लाउजेस ना किसी भी कलर के साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं, तो इसलिए ये लेना वर्थ है। जैसे कि तीन चार ब्लाउजेस लेने से अच्छा है कि एक ब्लाउज ले लो, पर ज़्यादा साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ। पर गुड न्यूज़ ये है कि बहुत और भी कई सारे साड़ियाँ भी आ रहे हैं, साड़ियाँ और कुर्तियाँ, तो कुर्तियाँ तो बाद में देखेंगे, जब ब्लाउज की बात करें तो बहुत सारे साड़ियाँ अभी मेरे पास आने वाले हैं, वो एक एक साड़ियाँ साड़ी का जब मैं हॉल बनाऊंगी ना तो मैं खुद पहन के बताऊंगी। मेरे सारे मुझे साड़ी पहनते हुए भी आप लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा, इवन मैं खुद भी बहुत दिनों से साड़ी नहीं पहनी, और मेरे पास जो भी अपना साड़ी है वो सारे साड़ियाँ लिनन के है। कुछ दिन पहले ये कमेंट आया था कि शोमली कुछ अलग टाइप की कुछ ट्राई करो ना, हमेशा आप एक ही जैसी साड़ी पहनते हो, क्योंकि हमेशा मैं अपने बुटीक से लेती हूँ। भी नेट की साड़ी, सिल्क की साड़ी, शिफॉन की साड़ी, बहुत टाइप की साड़ी मैं आपको पहन के बताऊँ। और ये रहा हमारा लंच आज का, पापड़ फिश, ये रहा पापड़ फिश, अरे ओखने बसले हबे ना तुमके आमार काछे बसते हबे, ये है पापड़ फिश, और ये है मैंगो का एक सूप, स्वीट मैंगो सूप, और ये रहा आर्यन का राइस, मिथुन का मिलेट, और मेरा कर्ड मैं अभी तक निकाला नहीं है। और आर्यन को जिस दिन एज ए फिश वगैरह कुछ होता है ना, उस दिन आर्यन को मुझे खिलाना पड़ता है गाइस, आप ऐसे मत समझो कि आर्यन अकेले नहीं खा सकता है ना बेबी, आर्यन भी अकेले खा सकते हैं, पर ओनली चिकन एंड मटन, और अदरवाइज आप जो भी खिलाए वो नहीं खाने वाला है, तो मजबूरन मुझे खिलाना पड़ेगा। और ये रहा एक फिश मेरा लंच, और उसके साथ कर्ड एंड कुछ स्प्राउट।
बन रहा है तो इसका 3 स्टेप्स है। एक ही आपको ऐसे मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, फिर है ये ब्रेड क्रम के साथ और एग और ब्रेड क्रम के साथ अच्छे से मतलब बिल्कुल तैयार करके इसे रखना पड़ेगा फ्रिज में, ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद 3-4 घंटे बाद इसे फ्राई करके खाना पड़ेगा। और मासी ये सारे प्रिपेयर करके रख के जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर और वहाँ से आने के बाद रात को ये हम फ्राई करके खाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मासी प्रॉन नहीं खाते, मासी को प्रॉन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता अलग चीज़ है, पर मासी को एलर्जी हो जाता है और वॉमिट वगैरह ये सब होता है मासी को, तो इसलिए मासी ये नहीं खाते। वाओ कितनी अच्छी तरह से ये प्रेस कर करके कोट कर रहे हैं, तो अभी जब भी बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से कोट करना, तो ये क्रिस्पी भी बनेगा और अंदर से पूरा मतलब अच्छे से बॉयल होगा। এর থেকে ছোট ছিল না, এর থেকে বড় ছিল না, আর ছিল গলদার চিংড়ি। তো গলদার চিংড়িটা তোমার ওই যে মাথা বিশাল বড় আর মাংসই থাকে না। হাম লোক ইউটিউব দেখে টিভি দেখে কুকিং শিখতে আর মাসি সারে রেসিপি মাসি কা খুদ কা হ্যাঁ নিজে থেকেই করো। गाइस इतना तो मैं आपको एंश्योर करती हूँ कि आज के बाद एक के बाद एक डिलीशियस और एक के बाद एक यूनिक रेसिपी आपके लिए मैं लाऊंगी मासी के थ्रू, क्योंकि मासी को बहुत सारे रेसिपी पता है। जैसे कि प्रॉन पकौड़ा हर कोई बना सकता है, पर इस तरह से कटलेट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कटलेट भी मिलता है। मुझे पता है कि वो तेल जो है वो निकला हुआ रहता है, वो चॉप होता है, प्रॉन चॉप। तो ये कम्प्लीटली अलग रेसिपी है, तो इस तरह के कई सारे रेसिपी आपको देखने को मिलेगा। एवरी डे ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ आपके लिए इंक्लूड करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मासी को चितल माछेर मुईठा, जाना चितल माछेर मुईठा ही, तो चितल माछेर मुईठा। आज तक जबकि मैंने चितल माछ लाई तब मैं कड़ी बनाई, क्योंकि कड़ी के अलावा मुझे और कुछ आता नहीं है। तो चितल माछेर मुईठा हम बहुत जल्दी मानिकतला बाजार में जाएंगे, वहाँ पे सुना है कि बहुत वैरायटीज फिश मिलता है, वहाँ से लाएंगे और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे। और इस बच्चे को भी जबरदस्ती खिलाया जाएगा। yes. ले ओते तो काटा नहीं हां की बोलो चितल माछ प्रचुर काटा ना जो मुईठा करले काटा नहीं एकटा काटा পাবে না ও আচ্ছা মুইঠা করলে ওদের কাটা থাকবে না। বাই দ্য ওয়ে আরিয়ান কা ফেভারিট ডিশ হো রহা হ্যায় তো আরিয়ান ইয়াহ পে জব ভি উসকা ফেভারিট মতলব প্রন কা কোই রেসিপি হোতা হ্যায় তো ইয়ে জলদি সে আ জাতা হ্যায় কিচেন প্রন চিকেন মটন প্রন ফার্স্ট টাইম মে আরিয়ান কো আপ কিচেন মে দেখ পায়েঙ্গে। yes আরিয়ান আমি এক ম্যারিনেট করে আপনাকে বতাঙ্গে। যাও ওখানে টাওয়াল আছে, টাওয়াল থেকে হাত মুছে চেপে চেপে দিতে হয়, এটাকে একটু চেপে চেপে দেবে। হ্যাঁ এই তো, বাহ 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 বাহ, কি কত সুন্দর আরিয়ান বানাচ্ছে, একদম প্রফেশনাল। চাপো চাপো বাহ, চাপো জোরে চাপো, হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস, বাহ। गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और मैं और मिथुन जा रहे हैं। आर्यन बिल्कुल भी शॉपिंग मॉल में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल से ये तो बोरिंग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। इसके बाद इसके लिए बेंगलोर का शॉपिंग मॉल सारे एंटरटेनिंग है और यहाँ का शॉपिंग मॉल सारे बोरिंग है। आज क्या बोल रहे पता है कि नहीं मैं मुझे फिश क्यों खाना, मुझे फिश पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं और मासी बोल रहे हैं कि क्यों सारे बंगालीज को फिश पसंद है, फिर तुम्हें फिश क्यों नहीं पसंद, बोले कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं कर्नाटका हूँ। पहले बोला असमीज हूँ, मैं बोला तो असमीज लोगों को भी तो पसंद है, नहीं मैं कर्नाटका हूँ, बोला तो फिर कन्नड़ बता के कन्नड़ में बात कर, फिर बोलो, फिर बोल रहे मैं वो भी सीख लूंगा पर मैं फिश नहीं खाऊंगा, फिश नहीं खाऊंगा, फिश फिश ना खाने के लिए अपने आपको क्या क्या बता रहे हैं, फिर भी उसे फिश नहीं खाना। दुर्गा पूजा सामने आ रहे हैं और मेरा जो फाउंडेशन है वो खत्म होने को है,
अभी साउथ सिटी मॉल में हमने एक मैक का शोरूम स्टोर मैक का स्टोर दिखा है, तो वहाँ से हम लेंगे। और मैं जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो है स्मैट बॉक्स का, पर यहाँ पे मैंने नहीं देखा मुझे झूठा साबित करने में मैंने लगे हुए क्या झूठा साबित करने में मैक का तुमने कब बोला झूठा सा। और एक बता दूं, ये टिपिकल इंडियन वाइफ ही है, मतलब आप लोग भी हो जो भी है, ये भी टिपिकल इंडियन वाइफ ही है। जितना भी कमाती है चीज खुद का मुझसे ही लेती है, ये करने भी चाहिए। शादी जब किया है, जब साथ फेर लिए है, तो ये उनका मेरा हक दायित्व हमें नहीं चाहिए, ये मेरा हक बनता है और ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हर किसी को ये करना चाहिए, चाहे वाइफ कितना भी काम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर एक चीज मतलब एक लिपस्टिक तक भी हस्बैंड से लेना चाहिए। तो जा रही हूँ वहाँ पे एक फाउंडेशन लेना है, क्योंकि दुर्गा पूजा मेकअप लुक सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, वैसे भी खींचिएगा अच्छा मास्क वैसे भी हमें लेना था, और फाउंडेशन और एक कंसीलर लेना है। मैक का ये फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि स्मैश बॉक्स का ये अपनी ऑस्कर मस्त लेना बाबू, उफ ये की मस्त। तो अभी मैं मैक में हूँ, शॉपर स्टॉप मैक में। अभी हम आ गए मॉल से और ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, जब हम काम में थोड़ा सा बिजी होते हैं ना तो उस टाइम में और ब्लॉगिंग नहीं होता, और मॉल के अंदर बहुत मुश्किल होता है। आपको बोला था ना कि वहाँ पे शूटिंग इतना मतलब अलाउड नहीं है, फिर भी लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं, वो अलग बात। मिला है मैक की तरफ से एक बैग गिफ्ट मिला है मुझे, और एक इल्यूमिनेटर लिया है, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। फाउंडेशन ये मेरा शेड है, मेरा शेड नंबर है NC 43.5। लिपस्टिक 616, और मुझे कंसीलर चाहिए था और एक जेल लिपस्टिक चाहिए था, तो दोनों जो मुझे पसंद आया वो एक भी उनके स्टॉक में नहीं था, तो मुझे ऑनलाइन से लेना पड़ेगा। शेड नंबर हम पिक्चर उठा के लेके आए, मतलब दिया और जल्दी से कितना अच्छा होगा जो भी है, ठीक है। बिना मेकअप के न्यूड शेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फाउंडेशन अप्लाई करो अच्छे से मेकअप करो उसके बाद न्यूड शेड अच्छा लगता है। सो गाइस अभी चलते हैं और जल्दी से प्रॉन कटलेट बना लेते हैं। तो ऑस्कर का मटन है, तो ये रहा प्रॉन कटलेट जो कि एक टिश्यू से ढका हुआ है। देख के लगता है कि काफी क्रिस्पी होने वाला है। खाने के टाइम में इतना प्रॉब्लम होता है इसका, पूरे दिन में कोई नखरा नहीं, सिर्फ नखरा है खाने के टाइम में, और आफ्टरनून में तो नखरे बाद ऑस्कर, सॉरी पूरा पूरा घर घुमाएगा इस तरह से। कल
कभी इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में और बिल्कुल ना बच्चों की तरह उसे तब उसे रोज रोज घर एक ही कोने ढूंढे था बाहर की चीजें पोकर ढूंढे चल ये लोग शाम को कहने लोग कालो कालो की ये भी पोकर तो ये रहा हमारा डिनर आज बहुत दिनों बाद लंच डिनर दोनों एक साथ शेयर किया गाइस ये रहा पकोड़ा पकोड़ा नहीं सॉरी कटलेट प्रॉन कटलेट तो फ्राई करते हुए आर्यन ने खा लिया था मैं एक खा ली थी और ये बचा हुआ है सैलड सोयाबीन करी और रोटी आज का डिनर हमारा तो गाइस अभी काफी रात हो चुका है तो अभी हम जा रहे हैं सोने और इस लाइट को भी ऑफ कर देंगे क्योंकि लाइट भी चल रहा है ये भी ऑफ कर देंगे कुछ देर बाद तो यहाँ पे चल रहा है मिथुन का कुछ पैकिंग नहीं मतलब वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन डैडा का गोजा गोजी का सिलसिला चल रहा है और क्या इतने सारे सामान अभी यहाँ पे मतलब उठाना पड़ेगा क्योंकि अभी रात हो गया है ये सब करते हुए और अभी काफी तुम तो मतलब बस इतना ही दिखा रही हूँ हाँ मिथुन का बस इतना ही दिखा रही हूँ बदल में अभी ये सब करते हुए टाइम हो चुका है तो अभी आर्यन इसको गोजा गोजी मतलब जुगारू टाइप्स यहाँ पे एंट्री कर रहा है क्योंकि ऑस्कर के मुंह अगर कुछ लग जाता है ना तो वो बिल्कुल उसे खा लेगा क्योंकि हम लोग खाना तो उसे नहीं देते हाँ हम तो उसे खाना नहीं देते ना तो ये सब खा के ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है अरे है मैं बेर कर सो गाइस चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तो तब तक के बाय पता नहीं ये लाइट मतलब कैसा ये यहाँ पे एक लाइट जल रहा है पूरा घर अंधेरा है तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय गुड नाइट एंड बाय बाय आई एम वेरी बिजी मैम ओके यू आर वेरी बिजी किड